तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूला में हम बात कर रहे हैं आपके साथ इंफॉर्मेशन फॉर्मूला की। जी हाँ, रिकॉर्डिंग परमिशन। डेटा सिंबलाइजेशन फॉर्मूले के बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, वो आता है इंफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो जब आप फॉर्मूला इस पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इंफॉर्मेशन फॉर्मूला आएगा। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इंफॉर्मेशन फॉर्मूला का यूज जो है सिंगल नहीं होता है। इंफॉर्मेशन फॉर्मूला रिकॉर्डिंग परमिशन दे देंगे, डबल है रिकॉर्डिंग परमिशन, तो अकेले इसका यूज नहीं होता है, ये किसी फॉर्मूले के साथ मिलके यूज होता है। तो किसी फॉर्मूले के साथ मिलके यूज कैसे होता है, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला इसमें आता है, वो आता है सेल। सेल फॉर्मूला इंफॉर्मेशन देती है अबाउट ए योर, सो इसमें मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन टाइप में, इंफॉर्मेशन टाइप एक ऐसा है जैसे सेल दे दीजिए सेल, और सेल इंफॉर्मेशन टाइप में आपका एड्रेस है, कॉलन है, कलर है, कंटेन है, फाइल नेम है, वो सारे है जो डालेंगे हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे अपना फाइल नेम सेलेक्ट कर और इसलिए मेरा फाइल सेव नहीं है, इसलिए इसका फाइल का फाइल नेम नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर कोई सेव फाइल में जाए जैसे यहां पे आया और यहां पे फाइल नेम दे दिया, तो यह पूरा फाइल का नेम विद सीट नेम, जिस सीट पे लगा है उस सीट का नेम नहीं। तो इस फॉर्मूला यूज करते हैं सीट नेम के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा किसका, राइट का, कि राइट से पहले सर्च का लगेगा, सर्च करेगा और इसमें से सीट नेम के लिए देगा क्लोजिंग, यहां पे क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ है, क्लोजिंग ब्रैकेट इसके अंदर सर्च करेगा स्टार्टिंग से। फिर हम यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट के फॉर्मूले में हम बोलेंगे कि इसमें से इसकी कंप्लीट लेंथ को माइनस करो फाइव से, पता चला इसका यूज कहाँ होता है। तो चलिए इसका यूज एक फाइल पे यूज करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, यहाँ पे मैं सेंस देता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। क्या मंथ है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे यहां पे सम चाहिए, मैंने यहां पे सीट का नेम दे दिया पूजा, और यहां भी हम दे देते पूजा, और यहां पे मैं देता हूं सम इफ, सम इफ यहां पे गया और हमने पूजा को लिया कॉमा ए टू कॉमा हमने जैन को लिया। अब मैं ड्रैग करने के लिए मैं यहां सीट ए को फिक्स करता हूं, ए टू और बी बाई बी को फिक्स नहीं करता,
अब क्या है कि मुझे क्या करना होता है कि मुझे नेम बनाना है, तो पूजा के बाद अगला जो हमारा आता है वो आता है मान लीजिए नीरज, तो मुझे यहाँ भी नीरज का नाम देना होता है और फिर मुझे यहाँ भी नीरज का नाम देना। तो जब नेम ऑलरेडी यहाँ पर है तो मैं नेम का कॉलर रखना ही नहीं चाहता, तो सीट नेम के अकॉर्डिंग वो दिखाए। तो यहाँ जैसे कि हम फॉर्मूला लगाएंगे सेल का, सेल फॉर्मूला में हम फाइल नेम देंगे तो पूरा फाइल के साथ पूरा इसका सीट नेम आ जाएगा। इस फाइल को सेव करना पड़ेगा तब आएगा, वरना नहीं आएगा। बुक फोरम में किया पूरा आ गया। अब मुझे क्या करना है कि इसमें से फाइंड का फॉर्मूला या सर्च का फॉर्मूला लगाना है, क्लोजिंग ब्रैकेट को लेना है, इसको सेलेक्ट करना है और कॉमा वन करना है। आ गया, और फिर यहाँ पे फॉर्मूला देना है राइट का और बोला है कि इसमें से कंप्लीट लेंथ और उसमें से हमने बोला 36 को माइनस तो नहीं रचा। ये सबको कॉपी कर देता हूं मैं, फिर इसको कॉपी करता हूं ए टू और यहाँ पे लेन ए टू को डाल देता हूँ। अब यहाँ ए टू मतलब कि सेल फॉर्मूला जो है, सेल फॉर्मूला को हम जहां जहां ए टू है वहां वहां डालेंगे। और ए 36 का जो माइनस है उसको यहां डाल दो। एक सेकंड सर। हाँ दीपक जी ठीक हो, मैं बताया ना आपको कि पेन ड्राइव लाइव क्लासेज है, पेन ड्राइव नहीं है। हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा, मेरा सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड कर देगा। तो ये यहाँ पे जैसे ये आ गया आपका नीरज राइट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला को मैं क्या कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ हमने यहाँ लिया हुआ है ना, जहाँ पे हमने ए टू लिया हुआ है वो ए टू की जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस सीट नेम से इसको पकड़ रहा है, श्री शर्मा जी डाउट इसमें मुझे मान लीजिए इसको कॉपी करूंगा और नाम में मान लीजिए टी टू टीना कर दूंगा, जैसे सीट का नेम टीना करूंगा डेटा मेरा चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टीना की जगह पे टी टू कर दिया तो इसका यूज करते हैं हमें सेल फंक्शन का, ओके सर। उसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशनल फंक्शन आते हैं जैसे एरर टाइप। एरर टाइप को समझिए क्या होता है, जैसे कि आपके पास कितने तरह के एरर होते हैं। इनमें होता है एरर जो बिलू का होता है, डीआईबी एरर जीरो से डिवाइड, किसी नंबर को जीरो से डिवाइड अगर करते हैं तो डीआईबी आता है। कोई फॉर्मूला अगर आपने गलत लिख दिया तो नेम का एरर आता है, सही लिखा तो वैल्यू का एरर आता है। तो एक एरर जो है पहले समझिए कि एरर होते के लिए टाइप किया है। सबसे पहले चाहिए कि आपका नल मतलब किसी डेटाबेस से आपने कनेक्ट किया और डेटाबेस के अंदर अगर ए है मतलब कि जीरो है, वहां पे ब्लैंक है, कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे नल आएगा। डीआईबी कब आएगा आपका, डीआईबी तब आएगा आपको, डीआईबी सेलेक्ट जीरो तब आएगा जब किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे। वैल्यू कब आएगा, फॉर्मूला को सही तरीके से आप नहीं लगाएंगे। रेफरेंस कब आएगा, जब आप कोई जो रेंज आप दे रहे हैं वो रेंज अवेलेबल नहीं है या फिर उस रेंज को आपने डिलीट कर दिया है तब आएगा। विजय जी आपकी क्लास सर 15 मिनट में स्टार्ट होगी। यस सर।
आपको फाइंड मतलब किसी नंबर को लुकअप कर रहे हैं लेवल नहीं है तो एन ए आएगा. गेटिंग डेटा एरर मतलब किसी आपने डेटाबेस या किसी वेब पर जो किसी भी एक्सटर्नल डेटा के साथ अगर आपने कनेक्ट किया है और वो वहाँ पे कनेक्टिंग होने में दिक्कत हो रही है, जैसे फाइल को डिलीट कनेक्ट किया वो फाइल आपका लॉक्ड हो गया या वो फाइल आपका अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे गेटिंग डेटा एरर आएगा. ठीक है, ये कोई नया आया है इसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूँ. अननोन, कुछ समझ नहीं पाया तो अननोन. और ये फेल्ड आता है इसके बाद, ये भी नया आया है सर. एक कैलकुलेशन एरर आता है जब आप ये देते हैं सर्कुलर रेफरेंस देते हैं उसके लिए, तो ये आपको उस एरर का नंबर से बताता है. क्योंकि अगर आप इसके जगह पर कोई मैसेज देना है तो आपके पास इफ एरर का फॉर्मूला था, तो इफ एरर हर तरह के एरर को कर देता है, तो हमें हर तरह के एरर को नहीं करना है. उस केस में हम क्या करेंगे, वहां पे एरर टाइप देंगे सेवन आएगा. अब इसे इफ कंडीशन लगा के हम दे सकते हैं कि इफ अगर इस इक्वल टू सेवन है तो यहां पे आना चाहिए डेटा नॉट फाउंड. इसमें क्या होगा कि सिर्फ एन ए भी आएगा क्योंकि एरर टाइप ने बता दिया सेवन. ऐसे इसका बताएगा आपका टू, आपका फाइव, किसी तरह से आप अपने कंडीशन दे सकते हैं एरर टाइप. अगला फॉर्मूला है इन्फो का. इन्फो इन्फॉर्मेशन बताता है आपकी पूरी एप्लीकेशन से डायरेक्टरी, आपका करंट फोल्डर का डायरेक्टरी. तो ये आपका अगर इन्फो में अगर आपने करंट फोल्डर पाथ डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर लिया तो आपका करंट फोल्डर पाथ दिखा देगा. फिर मेरा करंट फोल्डर पाथ ये है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट है. इन्फो में अगर मान लीजिए मैंने नंबर ऑफ फाइल दे दिया, नंबर फाइल दे दिया, तो कितने नंबर ऑफ सीट एक्टिव है वो आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ सीट एक्टिव है 45. ये सारे फाइल मिला के जो बताया. उसके बाद यहाँ पे आएंगे इन्फो के अंदर में. इन्फो के अंदर में यहाँ पे जैसे कि हमने रिलीज बता दिया, रिलीज एक्सेल का कौन सा वर्जन है ये बता देगा, ये 16 है इसने 16 बता दिया. इन्फो के बाद ये आपको बताएगा कि आपका सिस्टम कौन सा है, पीडी डॉस है या मैक है. तो आपका पीडी डॉस और मैक दोनों बता दिए. ओके, इन्फो का फॉर्मूला होता है. उसके अलावा ऐसे जो फॉर्मूला होते हैं वो जस्ट ट्रू एंड फॉल्स देते हैं, जैसे कि इज के फॉर्मूला, इज ब्लैंक, अगर सेल्स ब्लैंक है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स. उस तरह से इज एरर, अगर आपका एरर है एन ने छोड़ के कोई भी एरर है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स. ऐसे आपका यहाँ पे आएगा आपका इज इवन, इज एरर किसी तरह के एरर को देगा ट्रू अदरवाइज फॉल्स. इफ एरर की जगह पे इसका यूज कर सकते इज एरर, इफ और इज. फिर इज फॉर्मूला, अगर आपने कहीं रिजल्ट फॉर्मूला से लाया हुआ है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स. फिर ऐसे आपके पास इज लॉजिकल, आपका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स है तो आपका दिखाएगा ट्रू एंड फॉल्स. अगर आपका इज एन एरर है तो एन दिखाएगा, नॉन टेक्स्ट, टेक्स्ट के अलावा कुछ भी है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स. इज नंबर, सिर्फ नंबर है ट्रू एंड फॉल्स नहीं है तो आपका नंबर आएगा. इज और दिखाएगा. इज टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट दिखाएगा. तो इज के फॉर्मूले हैं जो कि यूज होते हैं. आप अगर इस पे जाएं एफएक्स पे तो यहां आपकी इंफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं. तो सेल एरर टाइप इन्फो इज ब्लैंक, इज एरर, इज लॉजिकल, इज नॉन टेक्स्ट, इज नंबर, इज ऑड, इज इवन, इज टेक्स्ट. उसके अलावा इसमें कुछ फॉर्मूला और भी, जैसे कि आपका है एन का फॉर्मूला, ऐसे सीट का है, सीट्स का है एंड टाइप का है. चलिए बताते हैं एन का फॉर्मूला. हमने शायद आपको बताया था, आपको याद होगा जब हमने आपको टेक्स्ट कराया था, जैसे कि आपके नंबर में टेक्स्ट है और कॉलम में टेक्स्ट भी है और नंबर भी है, तो आपके पास एक एन का फॉर्मूला होता है जो कि सिर्फ
टेक्स्ट को शो करता है, नंबर को शो नहीं करेगा। ऐसे उसी तरह से एक हमारे पास एन का फॉर्मूला है जो कि नंबर को शो करता है, टेक्स्ट को जीरो कर देता है। ये आपका एन का फॉर्मूला है। वैसे हमारे पास ये होता है नंबर ऑफ यहां इक्वल सीट का फॉर्मूला, इक्वल सीट, ये बताएगा कि कौन सा सीट है, सातवां सीट है, 1 2 3। अगर मैंने कहा कि इसको यहां रख दिया तो तीसरा सीट है, सीट का पोजीशन बताता है कौन सा सीट का पोजीशन, ठीक है सर। और दूसरा आता है सीट्स, ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ सीट आपके इस फाइल में है, कितने नंबर ऑफ सीट इस फाइल में है, ये आपको दिखाता है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? श्री शर्मा जी कोई डाउट? नो सर। रवि जी कोई डाउट? जी सर। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन फंक्शन था, मतलब कि हम आपको इन्फॉर्म कर, इंफॉर्मेशन फंक्शन जिसको इंफॉर्मेशन को लेके फिर आया करते, जैसे आपको मैंने सेल फॉर्मूले के बताया कि इधर से इंफॉर्मेशन लेके हमने एक रिपोर्ट बनाई, उस तरह से ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अभी आप लोग क्या करें कि ये सारे फॉर्मूले को यूज करें और मुझे इसका एक एक एग्जांपल बताएं, ठीक है सर? सारे फॉर्मूले को बताएं और मुझे इसका एक एक एग्जांपल दें। और हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल फॉर्मूला को, ये फाइनेंशियल फॉर्मूला कैसे करते हैं। फिर हम कुछ दिन फॉर्मूले को रेस्ट देंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे बाकी जो डेटा मेनू के बाहर के ऑप्शन से उसको, ठीक है? ओके बाय।